चले मेरी कपड़ देखने रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों मैं ओपन करती हूँ, करें फिर नाश्ता, फिर उसके बाद बहुत काम है आज आपसे करवाने हैं मैंने। अच्छा, विंटर के सारे कपड़े मैंने निकाल लिए, आप गर्मी के कपड़े यहाँ हैंग करूंगी और इनको मैं रखूंगी यहाँ। तो आज मैंने डिफरेंट मसाला बनाया आपके लिए, तो आप खाएं और मुझे बताएं कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम है आपका लाइव विद मरियम में। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब हैरियत से होंगे। तो आज मैं एक और वीडियो लेके आ रही हूँ आपके सामने, तो यकीनन आपको ये वाली वीडियो भी बहुत ही पसंद आएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुँचेगी। और मेरा इंस्टा भी फॉलो करें, ऊपर आपको आईडी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो ये है कि अम्मी गई है हॉस्पिटल मम्मी भाभी के साथ, क्योंकि न्यू बेबी आने वाला है। तो घर में आशा और मैं है, तो हम सोच रहे थे कि आज हम अपने कपड़ों की सेटिंग करें, ठीक है ना। विंटर के कपड़े हम पैक करके रख दें और समर के हम निकाल के रखें, क्योंकि गर्मी इतनी हो गई है, गर्मी का मौसम और लेट कर दिया हमने। हम लेट कर दिया वो इसलिए कि ना हम सोच रहे थे हम घर में अकेले हैं, अबू भी हैं, तो ना आज हमें मौका मिला है कि हम अपनी कपड़ साफ करें और कपड़े अपने सेट करके रखें। तो अनमोल भी नहीं है, अनमोल भी गई हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सुबह का टाइम है, सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो चले अब आशा का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, जिस तरह मैं डेली बनाती हूँ और मैं भी अपना बनाती हूँ। पहले कुछ खा पी लेते हैं ताकि अंदर एनर्जी आ जाए, फिर हम काम करेंगे। बहुत काम है, मुश्किल काम है। आज लंच भी रेडी करना है अबू के लिए, सब कुछ हमें करना है आज। तो चले पहले मुझे चलते हैं और नाश्ता रेडी करते हैं। चलो तो चले जी, आशा का ऑमलेट में रेडी करने लगी हूँ, जो आशा आजकल बड़ा शौक से खा रही है। तो ये देखें, इसमें मैंने डाला थोड़ा सा हरा धनिया और गार्लिक और नमक। तो आशा मुझे बताएं मिर्ची डालूं थोड़ी सी? नहीं नहीं, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर डालना। चलो ये निकालते हैं यहाँ से, ये है कितना, थोड़ा सा जी, बहुत ज्यादा हो गया। तो इसको मैं मिक्स करने लगी हूँ। लास्ट में उसमें लाल मिर्च डाली थी शायद, पता नहीं मुझे याद नहीं है। चले जल्दी करें, आजकल आपको धनिया बहुत अच्छा लग रहा है। एक दफा मैंने आशा को बना के दिया था, हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। हाँ। मुझे हरा धनिया पसंद है, तो मैंने सोचा आज फिर इसको बना देती हूँ मैं। तो मरी माफ में अपने लिए क्या बना रही है? तो मैं आज अपने लिए बना रही चाय, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब मैं वेट करती हूँ आप बनाने, ठीक है। तो अब मैं सेक रही हूँ ब्राउन ब्रेड, क्योंकि आशा ब्राउन ब्रेड खाती है और मैं कभी कभी व्हाइट भी खा लेती हूँ, कभी ब्राउन भी खा लेती हूँ बस। तो ये देखें ऑमलेट मैंने रेडी कर लिया, ये देखें इसकी लुक देखें। तो चलिए स्लाइस मैंने सेकनी है, मैंने इसमें रखने लगी हूँ। अब मैं रखने लगी हूँ चाय अपने लिए और आशा के लिए। तो ये देखें चाय रेडी हो गई है, कैसे जोश मार रही है चाय, तो काफ़ी पक चुकी है। इसमें कप्स में डालती हूँ। हमारे कितनी देर लगेगी? तो बस चाय रेडी है, मैं आ रही हूँ अंदर, आप वेट करें। मुझे बहुत भूख लगी, मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था रात को, पता चले इसलिए। तो चले आशा नाश्ता रेडी है, यहाँ रख दूँ मैं, यहाँ बैठ कर नाश्ता करते हैं आराम से। तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मरियम, मैं खाती हूँ। मायनीज नहीं लेके आई? तो आयशा आजकल ही ऑमलेट खा रही है बहुत ज़्यादा शौक से, है ना। मायनीज नहीं खाना, मैं डाइट करनी है। हाँ, इसलिए मैं लेके नहीं आई, मैंने कहा आयशा मोटी हो जाएगी, वेट कम करना है मैंने अपना, पता। अच्छा, मेरा ब्लैक मार्क कहाँ गया? आज उसको छुट्टी हो गई है मार्क को, सही है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि खाली प्लेट है, ये खाली प्लेट को रखी गई है, क्योंकि इसके ऊपर मैं रखूंगी कप। आशा एक मेरा कप इसके ऊपर रख दें, ये आप थोड़ी चाय पीती हैं, क्योंकि मैं चाय ना मतलब रस के साथ पीऊंगी ये। तो देखिए बंदू खान के रस है बहुत ही मज़े के, इसलिए मैं प्लेट लेके आई हूँ, ये इसके ऊपर कप रख सकूँ चाय के और साथ गिलास, ताकि ईजिली ये ना नीचे गालना पड़ सके, सही है। तो करें फिर नाश्ता, फिर उसके बाद बहुत काम है आज आपसे करवाने हैं मैंने। अच्छा, मैंने बहुत काम कर चुकी हूँ। मैंने कहा आज आशा ना हैवी नाश्ता कर ले, उसके बाद काम काम ही है। हैवी तो नहीं है। तो चलें फिर मैं अभी स्टार्ट करती हूँ खाना। पता नहीं तीन रस मैं खा सकूंगी नहीं खा सकूंगी, एक या दो खा सकती हूँ। नाश्ता कर लिया था आशा, मैंने बर्तन वगैरह धो लिए हैं, तो हम सोचा अब हमें टाइम मिला है अंदर जाएं, तो कपड़े सेट करते हैं। आज 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 ये है देखें, तो ये देखें ये मैंने कोट वगैरह संभाल लिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी जब मतलब फूल आ जाती है कपड़े संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मौसम बहुत अच्छा है, ये हम अपने जो मोटे कपड़े हैं ना विंटर के कपड़े हम ना संभाल के रखेंगे, तो हमें ना मतलब ये अजीब सा महसूस नहीं होगा। मैंने अक्सर जब भी अपने ना विंटर के कपड़े संभाले हैं ना, तो गर्मी आ चुकी थी मतलब पिछले साल, तो इतनी मुझे मुश्किल हुई ना तो कपड़े सेट करते वक्त, इतने मोटे मोटे कपड़े,
तो मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी कर लूँ मैं, सही ना आशा? तो कुछ कपड़े अब आशा ने भी आज सेट करने हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो बस अब ये देखें, इसे मैं ना तय करके रखती हूँ, ये कबर्ड में मैं सेट कर दूंगी, इसे मैं टच में नहीं रख दी, सही है। और ये वही टी शर्ट, ये मुझे तो मरी है, मुझे बड़ी पसंद है। चलिए आशा आप ले रहे ना, कोई बात नहीं, मैंने तो एक दफा ही पहनी है जब मैंने आपके साथ शूट मैंने किया। मुझे लगता है आपको ये फिट है, ये फिट है इसलिए मैं लेना चाहती हूँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मुझे पूरी आए, फिट तो है थोड़ी थोड़ी, लेकिन कोशिश ये है कि मैं ना नेक्स्ट ईयर पहनेंगे मुझे आए। अब तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना अपना वेट कम करूँ, वेट कम करूँ। और आपको लग रहा होगा कि मेरा वेट कम हुआ है, कुछ लोग कहते नहीं हुआ, कैमरे के सामने घूमता ऐसे मोटा मोटा लगता ही है, हेल्दी हेल्दी। ये भी पड़े हुए, ये भी मेरी सबसे फेवरेट आई, इसमें भाभी ने मुझे दी थी जब जर्मन से आई थी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा कलर है। ये मैंने यूज़ की थी एक दो दफ़ा मैंने यूज़ की थी, क्योंकि आपको पता है कि विंटर मतलब जल्दी चला जाता है, जो समर होता है वो इतना लंबा होता है तो मत ही नहीं है, तो इसलिए ना विंटर के कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मैंने समर विंटर क्लाशिंग में आपके साथ मैंने शेयर किए थे, तो वो अभी तक पहने कुछ पहने नहीं है, ज़्यादा मैंने ले लिए थे, तो मैंने बाद में सोचा मैं कोई बात नहीं, फिर मैं मतलब विंटर तो आना ही है, फिर मैं उसके बाद यूज़ करूँगी। चलें अब सेट करने के बाद मिलते हैं। चलें तो चलें जी, सारे कपड़े सेट हो गए, कुछ मैंने रख दिए, कुछ रह गए हैं, अब मैं सिर्फ ले लूँगी हूँ कबर्ड में। तो चलें जी, विंटर कपड़े मेरे सेट हो गए हैं, मुझे शुक्र हुआ, शुक्र सेट हो गए हैं। तो आशा अब क्या करना है, अब ना समर के कपड़े हम बाद में सेट करते हैं, पहले नीचे जाते हैं, क्योंकि अबू ने नाश्ता बहुत जल्दी किया होता है, सुबह उठ के करते ही नहीं, खाली चाय पी लेते हैं, तो अबू के लिए हम लंच रेडी करते हैं। तो आज देखते हैं कि लंच में हम क्या बना रहे हैं, तो अबू की पसंदीदा चीज़ बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर आके हम समर के कपड़े अपने सेट करते हैं, और मतलब आशा के भी कभी कपड़े सेट करने हैं, ठीक है। वो नीचे ही है, नीचे सेट कर लेंगे, कुछ आशा कपड़े मैं ऊपर सेट करने हैं, और कुछ मैंने किए हैं सेट, और बस मेरे समर के थोड़े से रह गए हैं, वो मैं सेट करके फिर आपके बाद ना पूरी कबर्ड आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने सेट करने के बाद कि मेरी इस कबर्ड में क्या क्या है, ठीक है, और इसमें क्या क्या है। चलो लंच बनाते हैं, चले अब लंच रेडी करते हैं, जाके आशा चलाओ मेरी हेल्प करो, साफ फटाफट चलो चलो जाओ जल्दी, मैं अकेली हूँ तो अम्मी भी गई हुई है, आपको पता है ना कि जब अम्मी गर्मी होती है तो मैं सब मिलकर काम कर लेते हैं, जैसा कि आशा आपको पता है ना कि अब्बू को संभालना बहुत मुश्किल होता है, अम्मी की हिम्मत होती है अब्बू को संभालती है। चले फिर हम नीचे रेडी करते हैं, लंच रेडी करते हैं, मजे का बहुत चलो, 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 आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ, हाँ, क्या बना रही है अभी। तो चले जी, यहाँ पे तैयारी हो रही है, यहाँ पे प्याज काट कर रही हूँ, और जैसे ही सब कुछ रेडी होता है मैं आपको दिखाती हूँ। लंच की तैयारी कर रही हूँ, लंच में आज बन रहा है, कुछ देर बाद बताते हैं। तो हाँ जी, सब कुछ रेडी है, देख सकते हैं, टमाटर भी मैंने कट कर लिए हैं, हरी मिर्चें, और ये अदरक लहसुन और प्याज या चिकन, क्योंकि मसाला ज़्यादा बनाना है तो इसलिए मैं अदरक लहसुन ज़्यादा बनाया है, क्योंकि अब ना सिर्फ ना मसाला खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा मसाला बना रही हूँ। तो बस मैंने ना बर्तन भी मैंने ना ओवन डाल दिया, अब मैं प्याज डालने लगी हूँ। तो मरियम स्पेशल अबू के लिए बना रही, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है अबू के सिवा, हम तीन बंदों का खाना है बस। तो देखिए जब अम्मी होती हैं, अम्मी अबू का कितना काम करती हैं और कितना मुश्किल होता है, जल्दी जल्दी कहते हैं जल्दी कर लो जल्दी जल्दी, क्योंकि वो सुबह उठे होते हैं ना सुबह से जल्दी। और ये किचन का हाल देखें, बहुत गंदा है, मैंने घर तो साफ कर लिया था पर किचन रह गया था, है मरियम, तो बहुत जल्द मैं साफ करने वाली हूँ। चलो ठीक है, आपको जो साफ करना, हम कुकिंग कर लेते हैं और बस ये हुड साफ करनी है, और साथ ये देखें कितना गंदा हुआ है, क्योंकि मैंने जब जिससे मैं साफ करती हूँ ना क्लीनर वो खत्म हुआ है, मैं बाजार जाऊंगी लेके आऊंगी फिर होगा सब कुछ, उस तरह नहीं होगा साफ। तो हाँ जी, प्याज फ्राई हो गए हैं, देखें डार्क ब्राउन करने, ये प्याज फ्राई हो गए। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर, ये मेरा तरीका है, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ जैसे मैं बनाती हूँ, और अम्मी का तरीका कुछ और होता है, सही है। अब टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दी है ना, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन, तो ये सारा चिकन इसमें डाल देने लगी हूँ, अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर, तो साथ ही हाँ चिकन डाल दिए, तो साथ में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, तो अब मैं इसको अच्छी तरह भूनती हूँ जब तक ये चिकन में पानी नहीं सूख जाता, फिर उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो ये मेरा तरीका है, इससे बहुत ही अच्छा बहुत ही लज्जा चिकन बनता है। चलें जी, मसाला रेडी हो गया, आशा मैंने इसके अंदर सब कुछ डाल दिया था, नमक मिर्च सूखा धनिया पाउडर हल्दी, बस इतनी चीज़ें मैंने इसे डाल के मैं इसे अच्छी तरह भून ली है। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ पानी ताकि ये गल जाए, क्योंकि अबू बहुत ज़्यादा गला हुआ चिकन और मसाला ना शौक से खाते हैं, खड़ा खड़ा नहीं खाते। तो चले मैं सब दम पे रख लेती हूँ, चलो
मणि माओ से गर्मी में कपड़े निकालते हैं आप। तो चलिए आप कमरे में चलते हैं, आशा ने कुछ हेल्प करते हैं। चलो तो हाँ जी आशा, क्या करना है, मैं आपके लिए अंदर आई हूँ। तो ना मतलब आप कौन सा काम है, क्या करना है? वो मैं उसमें कपड़े निकालने लगी। तो अब ना आशा अपने कपड़े निकालती है, तो मैं जब लंच रेडी हो जाएगा ना, फिर उसके बाद अपने कपड़े निकालूंगी, ठीक है? तो ये देखें आशा अपने कपड़े निकाल रही है विंटर के, जो मैंने रखे थे ऊपर और टैची में है। ये टैची निकाल रही है आज, ये स्पेशल मेरे कपड़े हैं, बाकी मैं निकाल चुकी हूं। चले निकाल रखो नीचे। तो अब दूसरा टैची निकालेगी। अच्छा वैसे मेरे टैची भी बड़े पड़े हुए हैं दो, मैंने भी विंटर कपड़े रखे हुए हैं इसके अंदर, और मतलब निकाले हुए हैं अभी, सेट करने हैं मैंने। ओ, 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 ओ। विंटर के कपड़े रखूंगी और साथ समझ के निकालूंगी आज। विंटर कुछ दिन, विंटर में थोड़ी देर के लिए होते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा थी। अभी इतनी मुश्किल से रखे थे हमने कपड़े गर्मियों के और विंटर के निकाले थे, एकदम से गर्मी आ गई और सर्दी खत्म, और सर्दी कपड़े बहुत ज्यादा थे मेरे। हाँ और गर्मियों का ज्यादा काम है, लेकिन इस बार मैंने अपनी ना सर्दियों के कपड़े भी ज्यादा मतलब खरीद लिए हैं, और समर के भी हैं माशाल्लाह से। ये देखिए सारे सर्दियों के कपड़े हैं मेरे। हाँ इसे निकाल ही सेट करते हैं, निकाले नहीं। चलो निकाल लो, और इतनी मुश्किल से रखे थे याद है तुम्हें, फसा फसा के अंदर। और ये देखें ये मैंने अभी तक नहीं पहना। हाँ टाइम नहीं मिला। ये विंटर का है ना जी, मेरे पास भी जो मैंने सूट लिए थे ना अपने, मेरी विंटर कलेक्शन आप लोगों ने देखी थी, तो उसमें से मैंने कुछ ऐसे सूट हैं अभी तक पहने ही नहीं मैंने। और ये मैं आपको बताऊं, ये मुझे मरियम में लेके गया था, बहुत ही प्यारा। ये देखिए सारे विंटर के कपड़े हैं मेरे। तो अच्छा मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसे कपड़े हैं जो आप नहीं पहनती, वो आ नहीं सकते ना। अच्छा साइज का मसला, विंटर के सारे कपड़े मैं निकाल लिए, आप गर्मी के कपड़े यहाँ हैंग करूंगी और इनको मैं रखूंगी यहाँ। चले रखे चले। तो इसके बाद मेरी बारी आएगी, ठीक है? आप कपड़े सेट करें, ठीक है? अब जाए आप खाना पहन, अपने कपड़े खुद ही सेट कर लूंगी, ठीक है? ठीक है, आपकी भूख लगी होगी लंच की, है ना? नहीं मुझे भी ब्रेकफास्ट की है। चलो तो ये देखिए आशा के टैची खुल गए हैं और कपड़े देखे लोन के, और ये मैं हैंग कर रही हूं अभी, देखे प्रेस में बाद में कर लूंगी, अभी इस तरह कर लूंगी ताकि कपड़े समेटे जाएं जल्दी जल्दी, है ना? तो बाद में प्रेस करते हैं, क्योंकि अगर हमने प्रेस किए तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो चलिए जी अब मैं धनिया की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब मसाला रेडी हो जाएगा उसके ऊपर मैं धनिया डाल दूँगी, ठीक है? और यहाँ देखें आशा जी, देखें क्या है इसके अंदर, मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च काट के सिरका डाल दिया है, क्योंकि जब ये दम पे मतलब मसाला गल जाएगा ना, तो थोड़ा सा गर्म मसाला और ये हरी मिर्चें और ये सिरका डाल के ना हल्का सा दम दे के उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है? ये बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत टेस्टी आएगा सिरके का टेस्ट और साथ हरी मिर्ची का टेस्ट। तो जैसे अब रेडी होता है मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ धनिया, ये हरी मिर्च, सिरका और साथ गरम मसाला। तो चलिए जी देखते हैं चिकन अब रेडी हो चुका है, ये देखें इसकी फाइनल लुक कितनी खूबसूरत आई है। तो ना अब ना तो अब अबू को डाल के देती हूँ, अबू को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। आपको पता है कि अबू ने सुबह ना नाश्ता भी नहीं किया होता, जिस वजह से मैंने जल्दी जल्दी बनाया है, साथ हमने और भी काम किए हैं, ये भी काम किया है। चल मैं डाल के देती हूँ। तो अबू खाते हैं लेग पीस शॉप से, तो चलिए जी अबू के लिए मैंने ट्रे बना दिया, साथ अबू का पानी है, तो साथ मैंने पानी भी रख लिया, इसलिए कि मसाला अबू ने खाना है हादी, तो पानी तो लाजमी होता है, प्यास लगती है। तो चले अबू इधर बैठे हुए हैं, तो ये ने अबू आपके लिए स्पेशल मैंने खाना बना दिया है, क्योंकि आपने नाश्ता नहीं किया तो भूख लगी होगी, ये मसाला बनाया मैंने आज। तो अम्मी बनाती हैं शोरबा अक्सर, तो आज मैंने डिफरेंट मसाला बनाया आपके लिए, तो आप खाएँ और मुझे बताएं कैसा लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बना, तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अब आशा भी ट्राई करेगी बाद में और मैं भी पहले अपना काम कर लें। तो चलिए लंच में अपना आके आ गई हूँ, तो अबू को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो आप लोगों ने भी मुझे बताना है कमेंट्स में कि मैंने कैसे बनाया है, कि मतलब कैसा लगा आपको मसालेदार चिकन। तो ये देखें जी मरियम के समर के कपड़े यहाँ सेट हो रहे हैं, सेट करके रखती हूँ जल्दी जल्दी, और ये से निकालने हैं, लास्ट ईयर के थे ना जो मेरे लिए थे, बड़ी ईद पे लिए थे, बहुत पसंद आया था, और ये मैंने छोटी ईद पे लिया था ब्लू कलर का, ये भी निशाक का है। तो एक और बात याद आई मुझे आशा, इतने लोग पूछ रहे हैं कि मरियम आपकी आपका ये जो सूट है, लास्ट वीडियो में मैंने पिक्चर लगाई थी अपनी वीडियो पे, तो लोग पूछ रहे हैं ये सूट ना किस ब्रांड का है, तो ये कौन सा सूट ब्रांड किस ब्रांड का है? गुल अहमद आइडियाज का है, तो बहुत ही प्यारा सूट है,
लाइट कलर राइट टू वेयर कलेक्शन से लिया था। हाँ शर्ट एंड वो दुपट्टा है। हाँ टू पीस था ये सूट। तो कपड़े मेरे सेट हो रहे हैं, अब जैसे कपड़े सेट होते हैं ना मैं आपको मिलती हूँ, चले क्योंकि बहुत लंबा काम है। ये भी आते हैं और भी बहुत सारे कपड़े हैं वो भी सेट करने, ये भी कम में आया, चले बाद में मिलती हूँ मैं सेट करके सारे। ठीक है तो चले जी मेरे कपड़े सेट हो चुके हैं और मेरी टेंशन खत्म हुई, तो अब ना बस रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं। तो मेरी कपट बिल्कुल मतलब सेट हो चुकी है, आए दिखाते हैं, बहुत ही प्यारी हो चुकी है और आशा के कपड़े भी सेट हो चुके हैं। तो चले मेरी कपट देखने रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ दोनों, मैं ओपन करती हूँ ये देखिए। तो ये देखिए सेटिंग सारी हो चुकी है मेरी। माशाल्लाह से ये देखें ऊपर मैंने रखा हुआ है क्रैनिक पाक और नीचे ये मेरे कपड़े हैं शूट के लिए और ये कपड़े हैं मेरे घर पहनने के लिए और ये विंटर के कुछ कपड़े हैं जैकेट्स वगैरह और नीचे हैं। और नीचे ये भी मेरे शूट के कुछ ये दुपट्टे हैं कुछ और नीचे मेरे विंटर के ये कपड़े हैं और नीचे मैं जूती वगैरह रखूंगी, ये भी मेरी सेटिंग की जूती है। साइड आप चेक करें मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सेट है, ये देखें ये भी मेरा पीआर था और ये सारे मेरे पीआर वाली साइड है, ये बैग्स भी पीआर में मिले थे और ये देखें मेरे पीआर सारे गिफ्ट जो मिल रहे थे, ये कुछ दिन पहले मुझे ये दोनों गिफ्ट मिले थे ये हुए और नीचे ज्वेलरी वगैरह ये भी मुझे पीएल मिली थी और ये सूट में जो से आए थे स्टिच होके वो मैंने यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है और मेरी कवर सेट हो चुकी है और मैं बेइंतहा खुश हूँ। और जो मेरा मेकअप है ना वो मेकअप मैंने अभी सेट नहीं किया, वो मेकअप इधर नहीं है, वो मैं मेकअप नीचे रखूंगी, आशा मेरा मिलते होता है मेकअप। ठीक है चले जी आपने देखी होगी मेरी कवर और आपको पसंद आई होगी कि मैंने कैसे सेटिंग की है। कुछ लोग होते हैं ना सेट करके ना मतलब दोबारा जब चीजें यूज करते हैं तो फिर कबर्ड का वैसे हाल हो जाता है पहले की तरह, लेकिन मेरा नहीं, जैसे जैसे आप कबर्ड मतलब चीजें यूज करते हैं ना तो साथ साथ कबर्ड उस तरह रखते हैं उसी तरह रखनी चाहिए, कपड़े जैसे धुल के आप वापस रखते हैं तो वैसे तैयार करके रखने चाहिए, कभी आपकी कबर्ड खराब नहीं होगी। और कभी कभी ये होता है कि हफ्ते में एक दफा आप अपनी कबर्ड दोबारा सही कर सकते हैं सेट कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आपकी कबर्ड का वो पहले जैसा ही हाल रहेगा जैसे लोगों का हाल होता है। मैं तो हमेशा अपना मतलब कबर्ड साफ रखती हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें और मुझे लाजमी बताएं मेरे अब्बू के लिए जोर सा लंच में आपको कैसा लगा। तो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करें, ऊपर आपका आईडी मिल जाएगा। तो डेढ़ सर अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।